Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. You're watching Sundown Evening Tea with Naila Shuja. Sundown is a show जिसमें हम ढेर सारे मुख्तलिफ किस्म की इंडस्ट्रीज के लोगों को प्रोफेशनल्स को बुलाएंगे उनके साथ कोई गपशप लगाएंगे चाय शाय पियेंगे यू नो विल स्पिल द टी ऑन व्हाट्स व्हाट डेवलपमेंट के हिसाब से इनोवेशन आइडियाज स्कूल ऑफ थॉट एवरीथिंग एंड टुडे वी आर एट मिंडानोस हियर इन F6 इस्लामाबाद तो चलिए आज हमारे गेस्ट इंतज़ार करें उनसे बात करते हैं मेहमान हैं मिस्टर सरदार ताहिर महमूद हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन एंड ही इज़ द सीईओ ऑफ विन विन एसोसिएशन विच इज़ ऑल्सो विन विन मार्केटिंग एंड प्राइवेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एसोसिएशन अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू सनडाउन बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला है एंड यू हैव जॉइंड अस हियर एट मिनाडोस कैसे हैं आप जी अल्हम्दुलिल्लाह वंडरफुल वंडरफुल चलिए दैट्स गुड तो यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन एंड यू आर आल्सो अ सीईओ ऑफ योर ओन कंपनी आई मीन हाउ डिड ऑल ऑफ दिस हैपन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एक्चुअली जो मैं इस बिजनेस में तकरीबन 15-16 साल 18 साल से इस बिजनेस में हूँ मेरी जो कंपनी है विन विन मार्केटिंग एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारा मैंने काम शुरू किया एज ए रियल स्टेट ब्रोकर के काम शुरू किया और एवेंचुअली फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ग्रोथ दी और उसके बाद हमने फिर बिल्डिंग लाइन के अंदर आए डेवलपमेंट स्टार्ट की और स्टार्ट 10-12 साल से डेवलपमेंट भी है ब्रोकरेज भी है मार्केटिंग भी है इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो चूँकि हम मैं इस फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड था तो इस वजह से इससे पहले मैं ट्रेडर एसोसिएशन हमारी जो F8 की ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन है मैं उसका भी प्रेसिडेंट हूँ तो एक आपके अंदर एक वेलफेयर की जब आप बहुत सारा काम कर लेते हैं तो साथ साथ आपके अंदर एक अल्लाह ताला की तरफ से वेलफेयर अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक रखी होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म था ट्रेडर वेलफेयर एसोसिएशन और उसके बाद हमारे जो ट्रेड जो रियल स्टेट के लोग थे या रियल स्टेट में काम करने वाले ब्रोकर्स हैं डेवलपर्स हैं बिल्डर्स हैं इन तमाम लोगों के जो राइट्स हैं और फिर गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करने के लिए टैक्स मैटर्स से रिलेटेड इदारों से ज़िले इंतज़ामिया से इन सब लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी एक वॉइस कलेक्टिव वॉइस होनी चाहिए तो हमारी जो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन है ये तकरीबन 1983 से रजिस्टर्ड है और उसमें गुज़िश्ता साल इंतखाबात हुए तो मेरे ग्रुप ने मुझे प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया कैंडिडेट के लिए तो वो फिर हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और उसका मैं प्रेसिडेंट बना तो ये इस चूँकि ये मेरी फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड था और इस पूरी इंडस्ट्री के राइट्स के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट टू नेगोशिएट विद द अथॉरिटीज़ तो इसके लिए हमने फिर मैंने अपना टाइम भी सेक्रीफाइस करके सोशल लाइफ भी अपने बिजनेस को भी सेक्रीफाइस करके तो इस जो वेलफेयर का काम है ये अपने जिम्मे लिया तो आपने बोला कि ये आपके फील्ड से डायरेक्टली रिलेटेड था मतलब यू स्टडीड लाइक आप थोड़ा सा अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना चाहेंगे मैंने मास्टर्स किया जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से तो वो भी मैंने तकरीबन पहले BSc किया था 94-95 में और उसके बाद फिर ये गैप आ गया और 2014 में मैंने दोबारा ज्वाइन किया मास्टर्स के लिए और फिर टू इयर्स और 2016 में मैंने ये MBA अपना जो है वो डिग्री कंप्लीट की अल्हम्दुलिल्लाह
तो इस गैप के दौरान आपने क्या किया, क्योंकि एक काफी लंबा गैप आया आपने बैचलर्स और फिर मास्टर्स में, तो फ्लो भी आपका टूट गया होगा पढ़ने का। एक्चुअली ये है कि आपको पता है कि हम चूँकि एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड था, तो इस वजह से स्टडीज़ की और स्टडीज़ के बाद फिर अपने काम कारोबार में लग गए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने काम कारोबार में कामयाबी दी, और फिर जिस वक्त मैं अपने रिसोर्सेज भी और टाइम को भी थोड़ा स्पेयर कर सकता था, तो एक अर्ज थी कि आपको स्टडी कम्प्लीट करनी चाहिए, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा आई गेट बैक टू स्टडीज। ओके, तो व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ये भी हम मेरे फील्ड से चूँकि डायरेक्टली रिलेटेड है, हम रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस वजह से। अच्छा, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आपने इस इलेक्शन, मतलब यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद स्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, तो व्हेन यू वर रनिंग फॉर इलेक्शंस, उसके अंदर कोई चैलेंजेस आपने फेस किए? देखिए, हर इलेक्शन, छोटा इलेक्शन हो या बड़ा इलेक्शन हो, एक बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होती है। मैं चूँकि फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, तो इससे, और दूसरा ये है कि हमारा ये जो इलेक्शन है, ये इसमें 3 MNAs की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। अच्छा। यानी 3 हलकों, जो हमारा हल्का इंतखाब है, वो भी MNA के 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनके इक्विलेंट है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है, टैक्सला से लेके और Zone 2 सारा इसके अंदर इंक्लूड होता है, इस्लामाबाद सारे का सारा, Zone 5, Zone 4, बराकऊ तक, ये सारा एरिया है। इसमें जितने भी रियल स्टेट से लोग मुंसलिक हैं इसके, ऑलमोस्ट मैं ये समझता हूँ कि इस हमारे शहर में और शहर के सराउंडिंग में अराउंड 10,000 लोग ऐसे हैं जो इस बिज़नेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। फिर उनके साथ बेशुमार लोग हैं, एक ऑफिस में बेशुमार लोग हैं, तो वो बहुत सारे लोग इससे 30-35, कम से कम 25-30,000 लोग हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बिज़नेस के साथ रिलेटेड हैं। जी बिल्कुल रिलेटेड हैं। तो इन सब लोगों को रीच आउट करना, इन सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, और फिर इन सब लोगों को अपनी बात समझाना और फिर कन्विंस करना। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे अभी गुज़श्ता दिनों सेनेट के इलेक्शन गुजरे हैं, तो जो रियल स्टेट का काम करने वाले लोग हैं, हर एक का अपना ज़ाती ऑफिस होता है, ज़ाती गाड़ी होती है, ज़ाती मुलाजिम होते हैं, और उनके साथ एसोसिएटेड 5-10 लोग होते हैं, तो एक उस और वो लोगों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, वो एक बड़ा समझदार आदमी होता है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, क्योंकि आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंसिस को मैनेज करना। तो सब लोग उनके पास, बेशक वो ब्यूरोक्रेट है या किसी भी बैकग्राउंड से है, वो एट द एंड ऑफ द डे को पॉलिटिशियन है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे अपने जो भी उसके पास कैपिटल है वो लेके एक रियलिटर के पास ही आता है और उससे एडवाइस लेता है कि मुझे ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए जो कि प्रॉफिटेबल होगी। तो ये सारे समझदार लोग हैं, इन सब लोगों को कन्विंस करना और फिर इन लोगों से वोट लेना, एक सेनेटर से वोट लेने के बराबर है एक रियलिटर से वोट लेना। तो आप महसूस कर सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होगा, और वो और सारे किसी एक बंच या एक जगह के ऊपर नहीं है, बल्कि ये दे आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड एंड इन द सराउंडिंग ऑफ इस्लामाबाद, मेन सिटी में भी हैं और सराउंडिंग्स में भी हैं, एरियाज में भी हैं। तो इन सब तक पहुंचना और फिर उनको कन्विंस करना, और फिर इलेक्शन डे के ऊपर सब लोगों को लेके पोलिंग के लिए पोलिंग करवाना, तो ये बड़ा मुश्किल काम। अच्छा, तो आपने इनिशियली बात की थी हम्बल बैकग्राउंड्स की, तो आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे? जी, मैंने जो मेरे वालिद साहब एक सऊदी अरब में बिन लादन कंपनी में काम किया करते थे, और फिर वहाँ पे उनके साथ एक हादसा हो गया, वो वापस आ गए, और यहाँ हमारी जो उन्होंने उस वक़्त जो अपना पैसा था वो, ये उस वक्त आपको पता है कि ये कंपनीज थी, कोऑपरेटिव कंपनीज, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, जो बाद में वो सक्सेसफुल नहीं रहा और वो सारा ज़ाया हो गया। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने पढ़ाया लिखाया, और उसके बाद फिर जब मेरे फादर वापस आ गए, तो उसके बाद हमें फिर पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन्स और जॉब्स और इस तरह करना पड़ा, जिसके जो अपनी फैमिली को भी
सपोर्ट करने के लिए और अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू रखने तो के ये कंट्रीब्यूट इन्होंने ये चीज़ें इन्होंने कंट्रीब्यूट की थी कि एक आपको होलसम इंडिविजुअल बनाए क्योंकि ऑब्वियसली जब ट्यूशन exactly. पढ़ाते हैं या टीचिंग करते हैं तो वो भी एक बड़ा मुश्किल सा डिसिप्लिन है exactly. तो उससे exactly. भी आपने मेरे ख्याल से बहुत कुछ सीखा होगा जो आप अभी भी अप्लाई कर रहे होंगे जी उससे भी मैंने सीखा फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आए हमने मैंने जॉब भी की लिवर ब्रदर्स में हम कुछ ऐसा जॉब भी की और उसके बाद फिर हमने मैंने अपना बिजनेस भी किया एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और फिर उसके बाद फिर इस रियल एस्टेट के बिजनेस में आए और इसमें भी शुरू में काफ़ी स्ट्रगल की और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी और प्रसिस्टेंसी की वजह से अल्लाह ताला ने इसमें सक्सेस दी सो व्हाई दिस फील्ड स्पेसिफिकली व्हाई द एस्टेट बिजनेस एक्चुअली आप देखें हमारे इस इस्लामाबाद के अंदर स्पेशली यहाँ कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ही लिमिटेड थी इस वजह से किसी एक दोस्त के मोटिवेशन के ऊपर वो हमें इस रियल एस्टेट के बिजनेस से में लेके आए महबूबुर रहमान साहब हैं उनको अल्लाह ताला सेहत भी दे तो वो हमें इस तरफ लेके आए तो हमने ये काम शुरू किया तो अगर वो किसी और तरफ ले जाते तो शायद मैं तो वो एक तरह से आपको गाइड कर रहे जी, थे वो गाइड किया और उन्होंने मोटिवेट किया तो फिर इस बिजनेस के अंदर में तो उनसे आपने कुछ कोई खास बात जो आपके अभी तक है मतलब आपके दिल के साथ मतलब वो चिपकी हुई है कि बस ये वो, एक बहुत खास वो बड़ा जबरदस्त और बड़े कमिटेड आदमी थे और उन वो भी बड़े प्रसिस्टेंट थे अपने काम के लिए काम शुरू करते थे उसमें बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से वो काम करते हमने भी उनसे ये चीज़ सीखी हाँ जी बहुत से और साथ कराम है जिससे बहुत कुछ सीखा ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से सब लोगों से मेरे मरहूम एक मामू वो हमारे मेरी उनके साथ बहुत ज़्यादा एफिलेशन थी वो अल्लाह ताला उनको गली के रहमत करे उनसे हमें बहुत कुछ सीखा उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट द लाइफ इन एवरी थिंग एंड थिंग उन्होंने बहुत सपोर्ट किया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी बिज़नेस में भी उसके अलावा अदरवाइज भी और मैं इस वक्त 7-8 प्रोजेक्ट्स हैं कमर्शियल बिल्डिंग्स के हाई राइज बिल्डिंग के मैं 300 बिल्डिंग के एक टावर बना रहा हूँ ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी और उसके अलावा रेजिडेंशियल कमर्शियल तो बहुत सारा काम किया है मेरे साथ एसोसिएटेड इस कंपनी के अंदर और लोग हैं तकरीबन चले आई थिंक हम यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं So stay tuned, we'll be right back. So आपने बताया था कि आपके एक inspiration थे along with your parents and along with other members of your family. तो आपने जो वैल्यूज सीखे हैं वो आपने अपने बच्चों में कैसे इंस्टॉल किया है देखिए एक इंस्पिरेशन एक हमारी जो मोस्ट रीसेंट हम मैं जिसको कहता हूँ कि लिविंग लेजेंड हैं हम जिनके साथ बहुत सा काम करते हैं वो हैं चौधरी मजीद साहब चौधरी अब्दुल मजीद साहब बेशुमार उनके क्रेडिटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने डिलीवर किए हैं थैंक यू चाय आ गई हमारे थैंक यू जी थैंक यू तो उससे हमें बहुत कुछ सीखा है मैं ये समझता हूँ कि हमारी इस सक्सेस में ये जो अल्लाह पाक ने इतनी सक्सेस दी है इसमें बाकी तमाम फैक्टर्स के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो इंसाफ का जो चौधरी मजीद साहब का जिन्होंने जो बेसिकली डेवलपर है मेन जिन्होंने मल्टी प्रोफेशनल्स B17 F17 फैसल टाउन ऑर्चर्ड रेजिडेंसी या फैसल हिल्स रिसेंटली डेवलप होने शुरू हो रहा है 2012 में शुरू 2012 से शुरू हुआ तो ये हो गया यानी बेशुमार प्रोजेक्ट्स दिए उन्हीं में हम मैंने बेशुमार प्रोजेक्ट्स भी उन्हीं में थैंक यू अच्छा तो उसमें ही हमने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसी में किए हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और हमने वैल्यूज़ के अलावा उनसे बिजनेस सीखा है बेसिकली वो जितना काम हम लोग करते हैं उससे दो गुना काम वो ज़्यादा करते हैं तो सुबह 8-9 बजे से लेके
शाम 7-8 बजे तक और ही इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन और बड़े मेहनती और अल्लाह ताला ने उनको बड़ी सलाहियतें दी है और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में बड़ी कामयाबी दी है और रिज़्क़ की वसत दी है कि उनके हाथ से बेशुमार लोग फैजियाब हुए और बहुत सारे लोग मिलियनियर्स और बिलियनियर्स उनके हाथ से अल्लाह ताला ने बनवाए उनके पास जाना चाहिए और उनसे मिलना चाहिए जी तो वो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इस ओवरऑल सक्सेस के ऊपर तो आपकी फैमिली आपने बताया था कि आपने फैमिली से भी कुछ सीखा तो आपके जो बच्चे हैं उनमें आपने कैसे ये वैल्यूज अब आप इंस्टॉल कर रहे हैं आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो वो भी जी बच्चे मेरे 4 किड्स माशाल्लाह चारों बेटे हैं माशाल्लाह और दे आर स्कूल गोइंग और बच्चे पेरेंट्स से सीखते हैं उनके साथ रहने से और उनके साथ इंटरेक्ट करके तो बहुत सी की आदत और अतवार जो हैं वो मुझसे मिलती हैं तकरीबन सब की तो कोशिश तो यही है कि वो एक कामयाब इंसान भी बने और वो कुछ चीज़ सोसाइटी में वो भी ऐड करें उनका वक्त है कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी के अंदर प्लीज आप ले आप चाय और थैंक यू वेरी मच जी खाना चाय करें बस मेरे दिमाग में ये आता है कि इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा एंड देयर सो मेनी सोसाइटीज बीइंग डेवलप्ड और मतलब मुख्तलिफ किस्म की हैं फॉर ऑल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स तो How can we maintain a standard or yeah you want it to be different not you personally but like the organization or the people in this world actually main ek buyer ke end se ya jo consumer hai uske behalf ke upar main ye suggest karna chahta hu ki jab bhi aap koi property buy karne ke liye jaye to 3-4 factors ko aap apne zehen ke andar rakhe acha sabse pehle ye hai ki aapne ye dekhna hai ki jis builder ya developers ke sath आप इन्वेस्टमेंट अपनी तमाम उम्र की जो हार्ड अर्न मनी है वो इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं या अपने लिए सर छुपाने के लिए कोई छत खरीदने के लिए जा रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड क्या है उन्होंने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स बनाए कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए और मुतलका जो अथॉरिटीज़ हैं RDA है जैसे CDA है LDA है KDA है क्या उनसे इनके पास NOCs मौजूद हैं और क्या इनके पास वो लैंड मौजूद है जिस लैंड के ऊपर ये आपको जो प्रॉपर्टी आपको ऑफर कर रहे हैं तो क्या लैंड इनकी ऑनरशिप में है ये सारी चीज़ें देख के जिस वक्त आप डिसीजन लेंगे तो वो आपका डिसीजन जो है आई थिंक वो अच्छा डिसीजन भी होगा और रियल स्टेट अगर तो डेवलपर अच्छा है और वो डेवलप करके प्रोडक्ट आपको दे देता है तो थोड़ा बहुत अगर आपने आपको लगता है कि ये आज के दिन में कॉस्टली है तो आपको आने वाले जिस वक्त टाइम में वो डेवलप करके आपको प्रोडक्ट डिलीवर होगी तो उस वक्त तक इंशाल्लाह आपको उसमें फ़ायदा भी होगा और एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रोडक्ट भी मिल जाएगी आपका एक कैपिटल भी एक जगह के ऊपर इकट्ठा भी हो जाएगा आप इंस्टॉलमेंट्स में चीज़ें ले लेते हैं एक कैपिटल ना सिर्फ एक जगह के ऊपर एकोमोडेट हो जाता है बल्कि इन्हांस भी होता है कैपिटल आपका एंड दैट आल्सो अफेक्ट्स द सोसाइटी अराउंड इट जी तो आजकल मतलब हर जगह यू सी हर मार्केट्स में जाएं हर यू नो सेक्टर में जाएं तो देयर आर मेनी ऑफिसेस रिगार्डिंग रियल एस्टेट तो बट देयर आर स्मॉलर ऑफिसेस तो हाउ डज द यू नो इस्लामाबाद how do they keep an eye on them how do they make sure that they're providing top notch you know services ya consultancies aap to ek to jis waqt aap kisi office mein jaye to hamara ek islamabad street agent association ka aapke paas hota hai us office ke andar aveza hoga aap wo dekhenge ja ke ek certificate hota hai bilkul jo hum certify karte hain कि ये शख्स रियल स्टेट का बिजनेस करने के लिए हमारे पास रजिस्टर्ड है और अगर कल कंज्यूमर को या बायर या सेलर किसी एंड के ऊपर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है कोई चैलेंज आता है तो इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन ब्रिजिंग करेगी और उसके दरमियान बैठ के उस आप हाँ जी उस मसले को हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेगी तो ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखें कि क्या वो शख्स रजिस्टर्ड है अगर वो हमारे पास रजिस्टर्ड होगा तो फिर हम उसको जो भी वो काम कर रहा है उसमें हम
انشاءاللہ اگر اس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو یا وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی انجسٹس ہوا ہے تو ہم اس کو کیٹر کریں گے انشاءاللہ. That's good. So do you think that جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ایٹ یو نو ایٹ اے مور کنزیومر فیس ٹو فیس لیول, ان کے کوئی پراپر ٹریننگز ہونے چاہیے یا شوڈ دے گو تھرو سم کائنڈ آف ایجوکیشن پروسیس سو دے کین انڈرسٹینڈ کہ کسٹمر کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے یا ایک یو نو بزنس آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے؟ ایگزیکٹلی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم ٹائم ٹو ٹائم یہ چیزیں یہ ٹریننگس کنڈکٹ بھی کرتے ہیں جس کے اندر آپ کو کمیونیکیشن اسکلز, جس میں آپ کو آپ نے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے, سیلز کیسے کرنی ہے, تو اس کی ٹریننگز ہم آف اینڈ آن کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتی سطح کے اوپر سرپرستی اس کی ہونی چاہیے اور ہمارے یہ ادارے ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں جیسے ریکا جیسے ہے, ریرا ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی دبئی کے اندر ہے, اس طرح باقی کنٹریز کے اندر ہے, آپ وہاں سے لائسنس لیتے ہیں تو ہی آپ یہ کام کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ لائسنسڈ ہوتے ہیں اور وہی کام کر سکتے ہیں, اور پھر وہ پھر آپ کو ٹو وے بینیفیشل ہے. ایک یہ کہ کوئی بھی شخص آج کل یہاں اسلام آباد میں یا پاکستان ایون پورے کے اندر کوئی بھی شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اگر یہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس کروں تو اس کو کوئی ممانعت نہیں ہے, وہ آئے اگلے دن ہی کسی آفس کا رینٹ پے کرے, وہاں پہ دو کرسیاں دو میز رکھے اور وہ کام شروع کر دے. تو اس کو اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اس کو یہ نہیں پتا ڈاکومنٹیشن کیسے ہونی ہے, ایتھکس کیا ہے, کام کیسے کرنا ہے, لاز وغیرہ کیا ہیں, ہاں جی اس کے لاز کیا ہیں, ریگولیشنز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں اتھارٹی ہونی چاہیے جو کہ یہ کام کرے. ایک بل محسن سینیٹر محسن عزیز صاحب نے ایک تیار کیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں سکا, ہے بھی گورنمنٹ بھی ان کی ہے ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے نام سے, ریرا کے نام سے, تو وہ اچھا تھا, اس میں ہم اپنی ان پٹ بھی ہم نے دی بھی ہے اور دیں گے بھی. تو اس طرح کا قانون آنا چاہیے جس کی وجہ سے اس لوگ بڑے بینیفیشل ہوں گے, لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا, اور ایک تو بہت سارے اسکیمس سے لوگ بچیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ پروفیشنل لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ آپ کی پراپرٹیز کے اندر. چلے آئی تھنک میرے خیال سے فارمل باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو تھوڑا سا میں آپ کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. تو آپ نے بتایا کہ آپ کی فیملی اور ماشاء اللہ سے چار بیٹے ہیں, تو کوئی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہو ان کے ساتھ, کوئی اسپورٹس یا ہارس بیک رائڈنگ یا کچھ بھی, فٹ بال, یہ کرکٹ ان کے ساتھ کھیل لیتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. آپ پہلے لیں, سب سے پہلے تو آپ لیں, آپ چائے بھی پیئے اور یہ سینڈوچز کھائیں, all courtesy of Menandos here in F6 Islamabad. It's really good, very good, delicious food ji, wonderful. Main soch rahi hu pehle kya khaun. Acha ji, ab bata rahe the ki aap beton ke sath ji cricket wagera khelte hain ji, unke sath ji swimming. Acha to ek second, aapne cricket ka bola hai, ab jo world cup guzra hai aapko kya lagta hai ki did we perform up to the mark or did we not? آئی تھنک جیسے ہماری پورا سال پرفارمنس رہی اسی طرح کی ہماری ورلڈ کپ میں بھی رہی جی, اور ناٹ سو گڈ ناٹ سو بیڈ, بہتر ہم کر سکتے کر سکتے تھے, اس سے بہتر ہو سکتا تھا, بٹ پوری دنیا کا ایک کمپٹیشن تھا, بڑے پروفیشنلز لوگ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آخر میں جو ورلڈ کپ کا فائنلز ہوئے ہیں وہ دونوں ڈیزرونگ ٹیمز تھی, انہی کا فائنل ہونا چاہیے تھا اور انہی کے بٹوین فائنل ہوا, تھوڑا بہت نیوزی لینڈ کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں 5% شاید زیادتی ہوگی, لیکن وہ رولز کی بھی. تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے, نیوزی لینڈ؟ آئی واز سپورٹنگ بیسیکلی انگلینڈ. انگلینڈ, میں ایکچولی انگلینڈ کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہا تھا کہ میرے دو بھائی وہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں ہوتے ہیں, ان کے جو بچے ہیں وہ انگلینڈ کا سپورٹ کر رہے تھے, بالکل اس وجہ سے ہماری بھی تھوڑی سی وہ تھوڑا سا آ گیا رائیول بھی آ گئے, چونکہ بھتیجے جو بھتیجیاں تھے وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے, تو اس وجہ سے میں بھی جو ہے وہ انگلینڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں.
चलें तो आप स्विमिंग और क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे अपने बच्चों के साथ कि आप ये स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो आपके क्या एक्टिविटीज़ हैं? मैं जी जिम ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, 4 से 6 माह से कुछ गैप आ गया क्योंकि हमारे को FPR के साथ इश्यूज थे ओवरऑल टैक्सेस के हवाले से, फिर ये जो बजट आया तो इस वजह से मैं टाइम स्पेयर नहीं कर सका, लेकिन मैं गुज़श्ता 3-4 साल से रेगुलरली जिम में मैं ट्रेनिंग करता हूँ और ये मेरी सबसे ये वो 1 घंटा है जो मेरा अपनी ज़ात के लिए होता है, सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा मेंटल पीस आपको अचीव आप वहाँ पे करते हैं। अच्छा, तो कोई किताबें पढ़ने का शौक या आर्ट्स का शौक, पेंटिंग, पोइट्री? टाइम नहीं, वक्त नहीं मिलता, बस आजकल तो ये लिबर्टी है कि आप ऑनलाइन बैठ के पढ़ सकते हैं। हाँ जी, पूरी आपकी स्कूलिंग इस्लामाबाद में हुई तो आपको रावलपिंडी में तो चले आपने रावलपिंडी की बात ही कर दी, विच सिटी डू यू लाइक बेटर, रावलपिंडी या इस्लामाबाद? देखिए अब वो ट्विन सिटीज हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं क्योंकि मेरा बचपन सारा रावलपिंडी में गुजरा है। अच्छा। तो इसलिए मुझे रावलपिंडी भी बहुत अच्छा लगता है और फिर इस्लामाबाद में, फिर रावलपिंडी में कौन सी जगह? मैं वेस्टरिज में रहा। अच्छा, वेस्टरिज। अच्छा। वेस्टरिज में रहते थे और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पे, हमने बड़ी मेमोरीज हैं, बड़ा अच्छा मेमोरेबल टाइम था जो वहाँ पे हमने गुजारा है और बहुत अच्छे दोस्त हैं वहाँ से हम, कोई पूरी दुनिया में कोई किधर है कोई किधर है। आई थिंक पहले ज़माने में ये भी होता था कि नेबर्स मिलते जुलते थे एक दूसरे से और दोस्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी, स्ट्रॉन्ग होता था। अब दोस्तों की बहनों की भाइयों की शादियाँ हुआ करती थी तो हम खुद जाके पार्टिसिपेट करते थे, काम किया करते थे, फुल फ्लेज्ड। हाँ जी, बड़ा इन्वॉल्वमेंट होती थी एक दूसरे के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। इस्लामाबाद में आपको क्या मतलब सबसे ज्यादा एक्टिविटी पसंद है? इस्लामाबाद खुद बड़ा पसंद है, खुद बड़ा पसंद है। हाँ जी, बड़ा पीसफुल सिटी है, लश ग्रीन है, बहुत अच्छा शहर है, बड़ा पीसफुल है। तो आपको मेरी एक बस शिकायत है, मतलब आपसे नहीं बस एक जनरल शिकायत है कि जब भी हम पिंडी जाते हैं या कोई शॉपिंग एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती, और आप घूमते फिरते रहते हैं, पूरे 5-6 चक्कर लगा लेते हैं और फिर एक जगह मिलती है, अब आप पहुँचते तो कोई और गाड़ी लगा देती है। बस तो इसमें मेरी आपको एक नसीहत है कि आप कोशिश करें करीम या उबर यूज करें, करीम या उबर। आप आराम से वहाँ उतरे और अपनी शॉपिंग करें और फिर दोबारा उबर को कॉल करें और वापस आप अपने घर चले जाएं, वरना इसका कोई हल अभी तक मौजूद नहीं है। क्योंकि अगर हम दो चार चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है इस्लामाबाद के अंदर, आपने देखा F7 में एक जो अंडरग्राउंड पार्किंग बनी, ठीक है, ये सारी जगह पार्किंग जो सोल्यूशन है वो सिर्फ अंडरग्राउंड पार्किंग नहीं है, पार्किंग प्लाजा इसका सोल्यूशन। एग्जैक्टली, ये पार्किंग प्लाजा बनने चाहिए। हाँ जी। आज आप सेंटोरस में चले जाएं, आपने अरबों रुपए का सेंटोरस का प्लॉट लोगों को बेच दिया, अब वो बेचारा पार्किंग कहाँ पे खड़े, उसके साथ एक प्लॉट था जिसके ऊपर वो पार्किंग किया करते थे, वो CDA का था, CDA को चाहिए कि वो पार्किंग प्लाजा वहाँ पे बनाए, चार्ज लोगों से बेशक कर ले, लेकिन वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बनाए। आपने बाड़ लगा के वो बंद कर दिया, अब सील कर दिया, अब लोग सारे कहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, इस सड़कों के ऊपर सारे रोड चौक हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो लोग अपनी गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी करके जाते हैं, डर लगता है कोई आके लाइन मार देता है, कोई स्क्रैच कर देता है, टेल लाइट आपकी टूट जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आप किसको ब्लेम करें। ये हमारे इस्लामाबाद इंतजामिया की बहुत बड़ी गफलत है, इल प्लानिंग है कि पार्किंग प्लाजाज नहीं है हमारे इस्लामाबाद, ब्लू एरिया आप चले जाएं तो आप सोच नहीं सकते बगैर ड्राइवर के आपके लिए मूव करना बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक वहाँ पे पेडेस्ट्रियन भी, वो बहुत ही कंजेस्टेड सी जगह है, बेचारे भी बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। ये पार्किंग प्लाजाज थोड़े थोड़े एरिया के बाद होने चाहिए ताकि लोग आराम से वहाँ गाड़ियाँ पार्क करें और आके अपने काम करें। तो आपने बताया था कि ट्रैवल का भी आपको शौक है, तो आपने इंटरनली भी यू नो घूमे हुए पाकिस्तान और यू नो बाहर इंटरनेशनली भी आपने ट्रैवल किया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें वो हैं जो हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए या उन पे काम करना चाहिए? ज़्यादा हो गई है जिस तरह ये मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं, ये बिल्कुल होने चाहिए, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ कि आप हर शख्स को, आप लंदन में चले जाएं, हर शख्स जो है वो ट्रेन पे अंडरग्राउंड, और यूरोप में चले जाएं ट्राम्स पे लोग मूव करते हैं,
बच्चों ने स्कूल भी जाना है तो वो एक एक कार उनके पास है, कार उनके पास है, उसके ऊपर वो जहाँ बैठ जाए जहाँ से उतर जाए पूरे पूरे मंथ का या टू मंथ का वो होता है। तो इन चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए जिसकी वजह से ये रश कम हो। और फिर हम चूंकि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं तो हमारा जो अदरवाइज भी इंपोर्ट का बिल है वो भी नीचे आएगा। अगर एक गाड़ी के अंदर दो लोग या तीन लोग रावलपिंडी से इस्लामाबाद आते हैं और एक 100-125 लोगों को बस लेके आती है तो वो एक तो ये है कि उसका रूट अलहदा से है, उसकी वजह से भी फ्यूल कंजम्पशन कम हो गई और फिर इतने सारे लोग अकोमोडेट हो गए, 1-125 लाख लोग रोजाना जो कम्यूट करते हैं आते जाते हैं। तो ये इससे पहले इससे भी ज्यादा मरी रोड के ऊपर तो आप तसव्वुर नहीं किया कर सकते थे जाने का, फंस रहे तो आप फंस रहे जी। तो अब लेकिन उससे कंपैरेटिवली बेहतर है, उससे बेहतर है इस मेट्रो के बाद। तो ये होने चाहिए जिसकी वजह से आपको सहूलत हो शहरों में आने जाने। एक्चुअली मैं खुद मेट्रो पे मैंने काफी ट्रैवल किया हुआ है एंड आई फाइंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट। मतलब आई थिंक 20 रुपए का टोकन मिलता है एंड आप इस्लामाबाद से रावलपिंडी का पूरा वो कर सकते हैं इट्स विद इन एन आवर आई थिंक। या एग्जैक्टली। और अगर आप वैसे गाड़ी में जाएं तो एक तो आपको गाड़ी में बैठना बहुत मुश्किल और फिर वो जो रूट है उसकी फटीग, बिल्कुल उसकी फटीग लगती है और फिर आपको पार्किंग भी नहीं मिलती अन्ना सब घर जा रहे हो तो बड़े मसले मसाइल हैं। आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहते हैं या क्या वर्ड्स ऑफ विजडम देना चाहते हैं अपने जो हमारी पाकिस्तान की यूथ है जो इस फील्ड में आना चाहती है उसको आप किस तरह से गाइड कर सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है और इसमें वो बहुत पहले का टाइम था कि जब लोग आया करते थे जिनका कोई इतना पढ़ा लिखा बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था और इस काम के अंदर आते थे और लोग हेजिटेट करते थे उनसे इंटरेक्ट करने के लिए। अब बहुत पढ़े लिखे बच्चे इसके अंदर आ गए, जो फारगुल तहसील है बड़ी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से और इसमें बड़ा स्कोप है। ठीक है, अगर हम 1.25 करोड़ घर अभी भी हमारे पास कम है रहने के लिए तो इट मीन्स कि ये वो प्रोडक्ट है कि जो जिसकी डिमांड मार्केट के अंदर बेशुमार है। तो हमें इसमें और लोगों को भी हम न सिर्फ इनक्रेज करते हैं बल्कि उनको कहते हैं कि पहले सीखें और फिर आप ये काम करें। ये बहुत अच्छा काम है कंस्ट्रक्शन का, रियल स्टेट का, इसको करना चाहिए। और इसकी वजह से एक तो ये सर्विस भी है कि आप लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं, एक छत प्रोवाइड करते हैं जो ड्रीम होता है हर एक फैमिली का, हर एक शख्स का अपना घर हो। हाँ जी, हमारा अपना घर हो। तो ये इसको इस फील्ड के अंदर और लोगों को आना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर आके इस काम। आप मुझे बता सकते हैं कि अब आपके क्या फ्यूचर के गोल्स हैं क्योंकि नाउ यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामाबाद एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन, तो आपके अब क्या गोल्स हैं? देखिए, हमने तो पहले तो हमारे गोल ये थे कि ये जो इस दफ़ा फिनांस बिल 2019 है इसके अंदर जो एज इट इज़ अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता तो ये बड़ा नुकसान दे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने निगोशिएट करके इसको काफ़ी टैक्सेस को रैशनलाइज कराया। तो अब ये कुछ चीज़ें जो हमने अचीव करनी हैं, कुछ गेन टैक्स का पीरियड हैं और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी हमने कुछ काम करना है। हाँ जी। तो ये हमारी आने वाले दिनों में ये कोशिश है कि चूँकि फेयर मार्केट गवर्नमेंट का ये प्रस्पेक्टिव था, हम भी ये चाहते थे कि मार्केट जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जाए। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर हमने इस दफ़ा ये ले गए 80-85% के ऊपर, लेकिन अब ये है कि टैक्स के रेट्स को कम होना चाहिए यानी ताकि लोगों को ट्रांसफ़र करते हुए बेशुमार चार्जेस ना पे करने पड़े। तो अब हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह अब हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि प्रोविंसेस को भी कन्विंस करें और जो फेडरल है वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है हमारे साथ कि आपको ये टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, स्टैम्प ड्यूटीज कम होनी चाहिए, इसी के ऊपर हम अब इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। चले इंशाल्लाह, मे गॉड यू नो गिव यू मोर सक्सेस एंड थैंक यू टू आवर गेस्ट मिस्टर सरदार ताहिर महमूद एंड थैंक यू टू मिंडानोस फॉर ऑफरिंग अस दिस वंडरफुल लोकेशन एंड दिस वंडरफुल प्लेट ऑफ सैंडविचेस। दिस वाज देयर क्लब सैंडविच और चाय के साथ हमने खाया, बहुत मज़ा आया एंड thank you for watching. But before we go, be sure to follow us on our YouTube page and our Facebook page at city2.tv. My name is Naila Shuja and you are watching Sundown. I'll see you guys next time. Allah Hafiz. Ai hai kahin jaiyega nahi, we forgot to give you the recipe. We had there
club sandwich and it was so good. हम उसके आपको रेसिपी बताते हैं. इट्स मेड फ्रॉम वाइट ब्रेड. ठीक है, उसके तीन लेवल्स होंगे. देन यू ऐड सम ग्रिल्ड चिकन टू इट, सम वाइट चेडर स्लाइस, चीज, एंड देन यू ऐड अ टर्की स्लाइस. जो यू नो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू ऐड अ लिटिल टर्की स्लाइस टू इट. आप उसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, कोई बलोनिया या कुछ और भी. एंड उसके साथ आपने ऑमलेट डालना है, पिकल, क्यूकम्बर, टमेटोज, आइसबर्ग लेटस, क्योंकि दैट्स अमेजिंग. और फिर आपने उसको पेयर करना है फ्रेंच फ्राइज के साथ और कोल्सलॉ. कोल्सलॉ के अंदर उन्होंने डाला था कैरेट्स, लेटस एंड अ लिटिल बिट ऑफ मेयो एंड देयर सीक्रेट सॉस. तो बस ये थी हमारी रेसिपी एंड वी होप यू मेक इट एट होम. बल्कि अगर आप घर पे बनाएंगे तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि वो कैसी थी, मज़े की थी, अच्छी थी, नहीं थी, क्या मिसिंग था या आपने क्या इनोवेशन उसमें डाले.